साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो BCC बोर्ड जो कि काउंसलिंग करवा रही है UGEAC अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ये जो है फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इसका जो है चॉइस फिलिंग जो है 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया है। इसी के साथ BCCLE का भी जो है साथ में पैरेलली चल रहा था। अब इसका सवाल आ रहा है कि सर, मैंने चॉइस फिलिंग तो कर दिया, अब मुझे पता कब चलेगा कि हमको जो है कौन सा कॉलेज मिला है, है ना, पता कैसे चलेगा? तो वो रिज़ल्ट आता है, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप देखोगे, नज़र डालोगे तो फर्स्ट राउंड का यानी फर्स्ट काउंसलिंग का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो 22 सितंबर, आज आपका है 20 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर यानी दो दिन बाद आपका जो है ये जारी किया जाएगा, ओके। और सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट 29 सितंबर को, है ना, यानी इससे लगभग 7 दिन बाद जो है आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई। अगर आपका और भी कोई डाउट्स है किसी भी तरीके का UGEAC से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम और हमारी टीम आपको पूरी तरीके से हेल्प कर सके। थैंक यू।